आप लोग लॉक कर रहे हो या ओके ग्रेट, मैं भी चलूंगा आप लोग के साथ. अभी तुरंत तुरंत जाना है या वी हैव या 2 मिनट नहीं है, एक टूर करा देते हैं मेरा यूट्यूब चैनल के लिए. तो जस्ट इंट्रोड्यूस ना, व्हाट इज दिस रूम कॉल? ये एडिटिंग ग्रुप हम इसे बोल सकते हैं. इसमें पैकेजिंग होती है हमारी और एडिट होते हैं, मतलब जो गाने वगैरह जो भी सेट होते हैं वो इस वाले रूम से होते हैं. मैक में होता है पूरा काम? जी आई मैक. पैकेजिंग इसमें होती है मैक में. ओके. और इसमें एडिट होते हैं जो भी, मतलब स्मॉल स्मॉल जो मिस्टेक्स होती है सो वो इसमें एडिट वगैरह कर देते हैं. नहीं तो अंदर भी है एक कंप्यूटर, सो एक्स्ट्रा के लिए है ये. अंदर दिखाइए. हाँ तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम अंदर. अंदर कहा मणिपाल रेडियो जयपुर, रेडियो मणिपाल जयपुर एंड द टैगलाइन रेडियो मणिपाल जयपुर. एंड वी हैव टू आरजेस हियर, आरजे कृष्णा एंड आरजे विनोद. हेलो, इज आरजे विनोद एंड माई सेल्फ आरजे कृष्णा. सो यहाँ पे हमारा शो रिकॉर्ड होता है. सो ये माइक है, इस पे शो हम रिकॉर्ड करते हैं. अभी जस्ट मतलब लाइव नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी जस्ट रिकॉर्डेड चलते हैं. हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से यहीं पे कभी कभार एडिटिंग हो जाती है. नहीं तो जैसे यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है तो हम फिर बाहर जाके वहाँ पे एडिटिंग कोई दूसरे लोग करते हैं. ओके ठीक है. तो ये हमारा पूरा आरजे वाला रूम है और इस तरफ हमारे जो गेस्ट है वो अपना इंटरव्यू देते हैं. ओके गुड. एंड ये रूम, दिस इज फॉर साउंड इंजीनियर, ताकि वो मतलब वॉइस वगैरह सबका उधर से देखता रहे और हमें कोऑर्डिनेट करता रहे. ओके. और ये पूरा साउंड प्रूफ है, वहाँ का साउंड यहाँ नहीं आता है? हाँ ये टोटली साउंड प्रूफ है. अगर हम यहाँ से तेज आवाज में गाने चलाएंगे तो उस तरफ नहीं जाएगा. अच्छा, उनको सुनाई देगा सिर्फ हेडफोन में? हाँ, और उधर से अगर वो कुछ भी चलाएंगे तो हमें आवाज नहीं आएगी बिल्कुल. राइट ग्रेट वेरी गुड. ठीक है चलो, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ट्रांसमीटर पे जा रहे हैं, वहाँ पे शो हम लगाएंगे. अच्छा तो आप लोग का शो मतलब यहाँ से नहीं होता है? यहाँ से हम ड्राइव में लेकर जाते हैं अपना शो. जो मैंने बताया था वहाँ पे पैकेजिंग होती है, फिर पैकेज होके जो शो है वो फाइनल होके फिर वो वहाँ से फिर ट्रांसमीटर पे हम उसको लगा कर आते हैं. ठीक है, फिर वहाँ से फिर वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम सेट कर देते हैं. वहाँ पे टाइम ब्लैंक्स डाल देते हैं हम उसके बीच में कि 4 घंटे बाद ये वाला शो चलना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग वो शो ऑटोमेटिकली चल जाता है. चलो चलते वहाँ फिर ना. रौनक हाय. सो ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट. ओके, शी इज आल्सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. हेलो गाइस. हाँ चलो, दुनिया बहुत छोटी हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू. अभी हमारे सर हैं वो जा रहे हैं कॉलेज से, लेकिन नहीं लग रहा है कि वो जा रहे हैं दूर, क्योंकि सोशल मीडिया है. सो हम कभी भी चिट चैट कर सकते हैं, कभी भी हम आपसे बात कर सकते हैं. सो वी आर वेल कनेक्टेड. ठीक है, मतलब हम मतलब हमेशा कनेक्ट रहेंगे थ्रू दीस क्या बोलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. बस यही है, और कभी आएंगे तो मिल लेंगे सर से. राइट, और मैं जहाँ रहूँगा वहाँ पे भी आप लोग आओगे, अभी मिलेंगे. यस डेफिनेटली. अभी अपन चल रहे ट्रांसमीटर रेडियो में, वहाँ पे हम प्रोग्राम लगाएंगे. ये हमारे कॉलेज का बैक साइड एरिया है जिसे हम वर्कशॉप एरिया बोलते हैं, और मोस्टली यहाँ पर लोग चाय कॉफी पीना प्रेफर करते हैं. और जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं. हाँ, बहुत भीड़ लगी. मैं बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया हूँ, बताएं. अकेला बैठा रहता हूँ इधर. या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो यहाँ के आसपास के जितने भी पेड़ वगैरह है वृक्ष उनमें पहुँचता है पानी. यहाँ तो पानी जमा कभी दिखा ही नहीं मैंने. नहीं सर, भरा था अभी थोड़े दिन पहले. हाँ, हो गया था पूरा. अरे मैं दिखा ही नहीं क्योंकि इतना बारिश हो रहा है मैं जब से आया हूँ. ये 2 महीना शायद 2 बने हुए हैं हमारे कॉलेज में. अच्छा, तो ये काफी अच्छा मतलब सोर्स है पानी इकट्ठा करने का. राइट राइट. और वो मैकडोनल्ड
नहीं वो जो आर्किटेक्चर वाले जो बच्चे हैं अच्छा उनके लिए मतलब वो बनाया गया ताकि उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह वहाँ हुए। अच्छा तो ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और इसी के अंदर ही हमें एक रूम मिला है जिसमें हमने हमारा ट्रांसमीटर रख रखा है और वो हमारा रेडियो स्टेशन का टावर है ये। यस अच्छा ओके ग्रेट। तो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ से मतलब सब कुछ मतलब जो पानी है वो फिल्टर्ड होता है वापस यूज में लिया जाता है। अच्छा प्लांट्स एंड अदर ठीक। ओ वाह इतना ठंडा। ये हमारे पास दो ट्रांसमीटर है हाँ ताकि हम मतलब कभी इसको चला ले कभी इसको चला ले मतलब ज़्यादा लोड ना पड़े किसी एक के ऊपर। सो हम ऐसे एक्सचेंज करते रहते हैं इनको और चलाते रहते हैं और इसका टेम्परेचर को बराबर करने के लिए हम एसी का और एसी का यूज़ करते हैं ताकि इसका टेम्परेचर 70 पे रखते हैं इसका टेम्परेचर हमेशा हमेशा रात को बंद कर देता है रात को बंद कर देता है। यस सर नहीं रात को भी नहीं बंद होता है चलता है चलता रहता है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे ड्राइव को और इसमें ये पीएलसी में ना ये कैसे होता है टाइम के हिसाब से। यस सर ये टाइमिंग पे चलता है। रेडियो का टाइमिंग क्या है। रेडियो का टाइमिंग सर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे बीच बीच में मतलब ब्रेक रहता है। हाँ बीच में ब्रेक चलता है 6 to 9 AM फिर 6 to 9 AM हाँ फिर नेक्स्ट देन आफ्टर 4 hours 1 to 3 PM इन आफ्टरनून हाँ और फिर 6 to 10 PM ओके इन द नाइट ओके। रेडियो मणिपाल जयपुर 90.8 FM सो इट कैटर्स टू पीपल हु रिसाइड इन 10 kilometer रेडियस राइट 12 to 15 kilometers range. 15 kilometer radius around the university campus. Yeah. और आप लोग से गांव का ना गांव के लोगों के लिए करते हो। Community radio है तो हम basically हमारा जो purpose इसको चलाने का वो जो हमारे जो target of audience है वो गांव वाले हैं villagers और जो आसपास की जो community है वो है जैसे वाटिका सिटी और दहमी कला वेगस और भी मतलब जहाँ जहाँ तक 12 to 15 किलोमीटर जितनी हमारी फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वहाँ तक चलता है। अच्छा